अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करें चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 है स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल से पहले हम मालूम है हमें कि जो है वो हमारी दुनिया में हर चीज़ बहुत ही छोटे पार्टिकल से बनी हुई है, जिसको हम कहते हैं एटम। ठीक है, और हमने ये पढ़ चुके हैं, हम चैप्टर नंबर 1 में हम ये पढ़ चुके थे कि एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल, एटम जो है हम आपस में मिलते हैं और मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब ऐसी कौन सी फोर्स है, क्या कशिश है, जो कि मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम्स को आपस में जोड़े रखती है, उसे हम कहते हैं केमिकल फोर्स या केमिकल बॉन्ड। इस पूरे चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि किस किस्म की केमिकल फोर्सेस हैं जो कि एटम्स को आपस में जोड़कर मॉलिक्यूल बनाती हैं, और उन वो फोर्सेस हैं, मतलब कि वो डिफरेंट फोर्सेस हैं, और वो डिफरेंट फोर्सेस हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन पहले तो सवाल ये है कि एटम्स जो हैं वो बॉन्ड बनाते ही क्यों हैं, ज़रूरत क्या है कि वो बॉन्ड बनाएं, वो जो है वो इंडिविजुअली क्यों नहीं रहते, उनको क्यों ज़रूरत है कि वो मॉलिक्यूल बनाए आपस में मिलकर। तो जी स्टूडेंट्स, इसका जवाब ये है कि तमाम जो हमारी दुनिया में चीज़ है, हर दुनिया में, यूनिवर्स में हर चीज़ जो है वो स्टेबल होने की कोशिश करती है, तो एटम भी स्टेबल होने की कोशिश में बॉन्ड बनाते हैं और मॉलिक्यूल बनाते हैं, और जब वो स्टेबल हो जाते हैं तो उसके बाद जो है वो मज़ीद कोई भी बॉन्ड नहीं बनाते, और उसके अलावा तमाम एटम कोशिश करते हैं कि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो नोबल गैसेस जैसी हो जाए, और नोबल गैसेस के आउटर मोस्ट शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका मतलब है कि तमाम एटम कोशिश करते हैं कि उनका आउटर मोस्ट शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन हो, यानी कि किसी अगर एटम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, 3, 4, 5, 6, 7 हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन गेन करें या इलेक्ट्रॉन लूज़ करें, ताकि उनका आउटर मोस्ट शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं और वो स्टेबल हो जाएं। तो यानी कि 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होना निशानी है किस चीज़ की, स्टेबिलिटी की। ओके जी, तो अब देखते हैं फर्स्ट हमारे पास क्या है, डुप्लेट रूल। डुप्लेट रूल क्या है कि हमारे आउटर मोस्ट शेल में गेनिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल इज़ नोन एज डुप्लेट रूल। क्या है, गेनिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन या अटेनिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, कि आपके जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करना आपके आउटर मोस्ट शेल में क्या कहलाता है, डुप्लेट रूल, और अटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल इज नोन एज ऑक्टेट रूल। तो आउटर मोस्ट शेल में अगर जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने की कोशिश की जा रही है तो उसे हम कहते हैं ऑक्टेट रूल, और अगर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने की कोशिश की जा रही है तो उसे हम क्या कहते हैं, डुप्लेट रूल। यानी कि अगर आउटर मोस्ट शेल में जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो कोई एटम कोशिश करेगा 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर ले, उस तक उसके पास इलेक्ट्रॉन 2 कंप्लीट हो जाए और वो स्टेबल हो जाए, और उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो कोशिश करेगा वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, ताकि जो है वो उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए और वो स्टेबल हो जाए, और इस तरह से 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो जी हम देखते हैं कि किस तरह से 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने की कोशिश की जाती है। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन एक आउटर मोस्ट शेल में कंप्लीट होते हैं बाय 3 वेज, विच आर, फर्स्ट इज बाय गिविंग इफ लेस देन 3, मतलब कि जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाते हैं, अगर जो है वो इलेक्ट्रॉन 3 से कम है या 3 से कम है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाते हैं, ताकि जो है वो आउटर मोस्ट शेल में, अब मालूम है, ओके लेट्स सपोज कि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, उसे अगले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है या 3 इलेक्ट्रॉन है, तो एटम कोशिश करेगा वो 3 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन वो डोनेट कर दे, फिर ऑब्वियसली उसका जो आउटर मोस्ट शेल है वो ये वाला शेल हो जाएगा, तो इसमें ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, तो ये हो जाएगा आउटर मोस्ट शेल जिसमें जो है 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, तो ये स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, और सेकेंड वे इज़ बाई गेनिंग इफ़ मोर देन 5, अगर जो है ये आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद हों तो ये एटम को, ये वाला एटम कोशिश करेगा कि किसी और एटम से 3 इलेक्ट्रॉन ले ले, अगर 6 हैं तो वो कोशिश करेगा 2 इलेक्ट्रॉन ले ले, अगर वो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके आउटर मोस्ट शेल में तो ये कोशिश करेगा किसी और एटम से 1 इलेक्ट्रॉन ले ले, और फिर जो है वो मॉलिक्यूल बन जाएगा और ये स्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, और बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स, तो ये तमाम जो है वो इलेक्ट्रॉन अपने शेयर भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन हैं इसके पास, तो ज़रूरी नहीं है कि ये 3 इलेक्ट्रॉन ले ले, मतलब कि कम्प्लीटली उसे ले ले, बल्कि उसे शेयर कर सकते हैं। शेयरिंग में क्या होता है कि वो 3 इलेक्ट्रॉन हैं वो इसके आउटर मोस्ट शेल में भी रिवॉल्व करेंगे और अपने आइटम के आउटर मोस्ट शेल में भी रिवॉल्व करेंगे, तो अगर आपके पास जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन है उसी तरह से शेयरिंग हो सकती है, 5 इलेक्ट्रॉन है तो भी इस तरह से शेयरिंग हो सकती है। ठीक है, ओके, मैंने आपको जैसे बताया कि नोबेल गैसेस, मतलब तमाम एटम जो है वो कोशिश करते हैं कि नोबेल गैसेस जैसी कॉन्फ़िगरेशन हो जाए, और उसके बाद जो है वो रिएक्ट नहीं करते क्योंकि जो है वो स्टेबल हो चुके होते हैं, तो इसका मतलब है आपको बात समझ आ रही होगी कि नोबेल गैसेस जो है वो नॉन रिएक्टिव हैं।
तो अब वो नॉन रिएक्टिव क्यों है, आई थिंक जितनी बातें पीछे डिस्कस कर चुके हैं आपको वहाँ से काफ़ी हद तक समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी आपको एक दफ़ा बता देती हूँ कि नोबेल गैसेस नॉन रिएक्टिव इसलिए हैं बिकॉज उनका आउटर मोस्ट शेल कम्प्लीटली फिल्ड है। उनके आउटर मोस्ट शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं या फिर 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है कि वो किसी और एटम से इलेक्ट्रॉन लें। ठीक है, सेकेंड बात वही कि उनके आउटर मोस्ट शेल में जो है वो 2 और 8 इलेक्ट्रॉन है। थर्ड वन इज़ नो वैकेंट स्पेस, उनके पास कोई भी स्पेस नहीं है जिसमें जो है वो किसी और इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर एंटर कर सकें। ठीक है, एंड दे डू नॉट लूज और गेन इलेक्ट्रॉन, वो ना तो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं ना गेन करते हैं क्योंकि उनको ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी स्टेबल है, तो उनको ज़रूरत नहीं है कि इलेक्ट्रॉन ट्रेड करें और स्टेबल हो। जैसे कि हमारे पास जहाँ पे एग्जांपल है हीलियम की, पता है हीलियम की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2, इसके पास सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ही है। फर्स्ट नंबर होता है हमारा हाइड्रोजन है, देन हीलियम आता है, तो हीलियम है 1s2, और आपको पता है नियोन का एटॉमिक नंबर है 10, विच इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, 1s2, 2s2 एंड 2p6। तो इसका मतलब क्या होगा, इसकी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। तो नियोन और हीलियम जो है वो क्या है, नॉन रिएक्टिव है, और ये आपको पता है ये क्या है, नोबेल गैसेस है। इसी अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन जो है वो कोशिश करेगा कि वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले ताकि, या फिर 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले ताकि जो है उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो सके और वो स्टेबल हो सके। ठीक है, ओके जी। अब केमिकल बॉन्ड क्या, आपको मैंने हल्का सा इंडक्शन पीछे दिया था कि जो हमारे मॉलिक्यूल्स में एटम साथ में रहते हैं तो कोई फोर्स, कोई कशिश मौजूद होती है जो उनको साथ जोड़े हुए होती है, तो उस फोर्स, उस कशिश को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड। जैसे आपको मैं सिंपल से एक एग्जाम्पल देती हूँ कि आप फ्रेंड्स हैं, तो दो, मतलब जैसे 2 लड़के हैं क्लास में, वो साथ में बैठते हैं, बातें करते हैं, बुक्स शेयर करते हैं, सब कुछ, तो वो क्यों साथ रहते हैं, क्यों, क्योंकि उनके बीच में जो है वो फ्रेंडशिप बॉन्ड है, या फिर आप तमाम एक क्लास के बच्चे हैं वो सब एक क्लास में रहते हैं क्योंकि आपको जो है वो आपका, आप में एक सिमिलर बात है कि आप सब जो है वो एक क्लास में पढ़ते हैं, आप सबके सेम बुक्स हैं। ठीक है, इसी तरह से जो है वो एटम साथ रहते हैं, उसकी वजह ये है कि उसके बीच में एक केमिकल बॉन्ड बन जाता है। केमिकल बॉन्ड, इसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स दैट होल्ड देम टुगेदर इन अ सब्सटेंस, के दो एटम्स या दो से ज़्यादा, ज़रूरी नहीं है सिर्फ दो हों, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, उनके दरमियान में जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि उनको आपस में साथ रखती है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल दूँगा, अगर एच टू की हम बात करते हैं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 हाइड्रोजन है जो कि, मतलब ऑब्वियसली 2 हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बना हुआ है। अगर हम बात करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की, इसका फॉर्मूला क्या है, H2SO4, यानी कि इसमें टोटल हैं 4, 5, 6, 7 मॉलिक्यूल्स, सॉरी 7, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर 7 एटम्स हैं, 2 एटम्स जो हैं वो हाइड्रोजन के हैं, 1 सल्फर के हैं और 4 ऑक्सीजन के हैं। तो इसी तरह से जो है वो एटम्स के बीच में वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि उनको अपने साथ जोड़े रखती है, जिसकी वजह से हमारा एक नई चीज़, एक नया मॉलिक्यूल बन जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड या केमिकल फोर्स। अब केमिकल बॉन्ड जो है वो डिफरेंट 4 टाइप्स के हैं। अब वो उन 4 टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, और किस तरह से बॉन्ड बनाते हैं, और कौन कौन से एटम्स हैं जो कि वो प्रॉपर्टीज शो करते हैं या फिर या वो बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो ये हम सब जो है वो कल डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में अपने डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए इतना काफ़ी है, और आप इसको जो है वो अच्छे से याद करने की कोशिश करें, ये मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, ओके, गुड लक, अल्लाह हाफिज़।